अगर आप भी दुबई, अजमान, शारजा, रसल खेमा, अबू धाबी, फुजैरा, एलएन कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मोहरे की तरफ से जो नया कानून आया है, लेवल लॉ आया हुआ है, उसके मुताबिक जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जितने जॉब करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो राइट्स है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इन केस अगर ऑन ड्यूटी जॉब करते हुए अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हैं या खुदा ना खास्ता आपकी मौत हो जाती है, तो इस केस में आपका क्या राइट्स बनता है और कंपनी के क्या जिम्मेदारी बनती है आपके प्रति, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एविएटर मोहम्मद गुलाम गौस में, जहाँ आपको मिलती है एयरपोर्ट, एयरलाइंस, पासपोर्ट और वीज़ा के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स। आइए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मोहरे है जो कि यहाँ पे लेबर लॉ के कानून को मेंटेन करता है, उसने ये ट्वीट करते हुए जारी किया है, इन्फॉर्मेशन सबको पब्लिश किया है कि आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो सभी वर्कर्स जो कि किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहाँ के स्टाफ स्ट्रेंथ 50 या उससे ज़्यादा है, 50 वर्कर्स या उससे ज़्यादा है उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये अपडेट्स है कि ऐसे कंपनी में अगर ऐसे आप जॉब कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता ऑन ड्यूटी जॉब करते हुए अगर आपका आप बीमार पड़ जाते हैं या आपके इंजरी हो जाती है, आपको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में जो भी ट्रीटमेंट का, इलाज का खर्चा है वो कंपनी को करना पड़ेगा। स्टाफ इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करेगा, कोई भी खर्चा स्टाफ नहीं उठाएगा, और साथ साथ जो स्टाफ का जो वर्क का जो उसका वैल्यू है, जो उसका कंपनसेशन है, उसका भी कंपनसेशन आपको कंपनी को स्टाफ को देना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन जो कंपनसेशन मुआवजा का जो कैलकुलेशन है वो स्टाफ का जो अभी करंट सैलरी है उसके बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन किया करके जो मेडिकल रिपोर्ट जो रिलीज होगा, रिलीज होने के 10 दिन के अंदर स्टाफ को दिया जाएगा। साथ साथ अगर जॉब करते हो और ऑन ड्यूटी किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर स्टाफ की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, उसका डेथ हो जाता है, तो उस केस में जो भी कानूनी तौर पे उसके उसके अधिकारी होंगे, जो अधिकार होगा उसको उसका कॉम्पनसेशन, उसका मुआवजा का पैसा उसको मिलेगा। अगर उस केस में अगर ऑन ड्यूटी अगर वो इंजर्ड हो जाता है, अपाहिज हो जाता है या किसी तरह डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस केस में जो भी परमानेंट डिसेबिलिटी का ये कंपनसेशन है, मुआवजा का अमाउंट है, उसका वो पोर्शन, उसका एक हिस्सा वो स्टाफ को दिया जाएगा। दोस्तों ये भी नया कानून जो लाने का जो जो न्यू रेजुलेशन है उसको जो लागू करने का जो मेन मकसद है इनका, वो है जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, उसको सेफ करने के लिए, स्टाफ का सेहत का ख्याल रखने के लिए, और जो भी स्टाफ का जो वर्किंग एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए और कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो दोस्तों ये मोहरे की तरफ से ये अपडेट्स था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जो हमेशा अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।